दोस्तों, अगर आप भी दिनेश कार्तिक और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिखरती हुई बैंगलोर को जब दिनेश कार्तिक ने बचाई अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लाज, भले ही नहीं दिला सके जीत, मगर जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। तब खुद कोहली ने कार्तिक की महानता देख छूली ने पैर। इस लम्हे ने तो क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया, तो आखिर अचानक क्यों कोहली ने छुए दिनेश कार्तिक के पैर? ये नजारा देखकर कैसा था अनुष्का का रिएक्शन? कैसे गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए विराट कोहली झुक गए कार्तिक के चरणों में? ये खूबसूरत लम्हा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई करते हुए बैंगलोर के सामने 20 ओवर में 287 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य कभी न हासिल कर पाने वाला खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर पहले ही बैंगलोर की टीम नर्वस हो गई। ओपनिंग शुरुआत तो बेहद शानदार रही, लेकिन हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के आगे विराट कोहली और विल जैक ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। कोहली ने 42 रन बनाए तो जैक ने 7 रन, वहीं रजत पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 9 रन बना सके। सौरभ चौहान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, यानी 122 रनों के पर 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन टीम के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। वो हैदराबाद के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था। देखते ही देखते कार्तिक ने मैच का पूरा रुख पलट दिया, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भुवनेश्वर कुमार से लेकर मयंक मारकंडे, जयदेव उनादकट हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन 19 ओवर में 5वी गेंद पर दिनेश कार्तिक भी अपना विकेट टी नटराजन को दे बैठे। 35 गेंद पर 83 रन, 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए, अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल कार्तिक ने जरूर जीत लिया। कार्तिक जैसे ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे, उसी दरमियान उनकी बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली काफी प्रभावित थे और वो जाते ही दिनेश कार्तिक को पहले सलाम किया और फिर उनके पैरों में तुरंत गिर पड़े। यह नजारा देखकर खुद दिनेश कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कोलकाता ने ये क्या कर दिया। वहीं अनुष्का शर्मा भी दंग रह चुकी थी, लेकिन कार्तिक ने उन्हें तुरंत कंधा पकड़कर उठाया और दिल से गले लगाया। उसके बाद पीठ थपथपाई। भले ही कार्तिक अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन मैच को पलट दिया था। बैंगलोर को इस मैच में केवल 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। कार्तिक ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को अपना बना लिया था, लेकिन अब विराट कोहली और दिनेश कार्तिक का ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। जिस तरह से कोहली ने गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए कार्तिक के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, ये लम्हा देखकर हर कोई कोहली पर अपना प्यार लुटाने पर मजबूर हो गया। इन दोनों के चाहने वाले फैंस भी इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।